गुरु नानक जी का अवतार धारना, जोर जबर ते हाकमां दे अत्याचारां नाल दुखी हुई सृष्टि की पुकार सुन के अकाल पुरख ने गुरु नानक देव जी दे रूप विच जगत जलंधे की रक्षा करन वास्ते माता तृप्ता जी की कुख तों महता कालू चंद बेदी खत्री दे घर राय भोज की तलवंडी विखे कत्तक सुदी पूर्णमासी संमत 1526 नूं सवा पैर दे तड़के अवतार धारण किया। गुरु जी दे सवा पहर रात रहिंदी अवतार धारण उपरंत जद दिन चढ़िया तां मेहता जी ने पंडित हरदयाल जी नूं सद के कहा कि बालक दा टेवा बनाओ अते लगन मुहूर्त वेख के दसो कि बालक किहो जिहा होवेगा। माता पिता तथा कुल दा नाम उच्चा करन वाला होवेगा जां कुछ कम विगाड़ू होवेगा। पंडित हरदयाल ने बालक जी दे लक्षण वेखने। पंडित ने मेहता जी नूं कहा कि बालक दी दाई नूं सद के पुछो कि जन्म समय इस दे मूँह तों केड़ी आवाज़ कढ़ी सी। तद दौलता दाई ने आण के दस्या कि पंडित जी मेरे हत्थां विच अनेक बालकां ने जन्म लिया है पर इस तरह का बालक मैं अज तक कोई नहीं वेख्या। होर बालक तां जन्म लै के रोंदे हन पर यह हसदा सी अते घर विच इउं जापदा सी जिवें दुपहर का सूरज चढ़ पिया होवे अते सारे घर विच सुगंधी फैल गई सी। दौलतां दाई दीआं इह गल्लां सुण के पंडित ने अनुभव कर लिया कि ये कोई अवतार पैदा होया है, इस दे दर्शन करने चाहिए हन। जद दौलतां दाई ने बालक नूं बाहर ले आंदा तां पंडित हरदयाल ने उस दे चहन चक्कर वेख के दस्या कि मेहता जी ये तुहाडा बालक वड्डे भागां वाला है, इस विच सारे ही लक्षण सब प्रतीत हुंदे हन। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜਦ 13 ਦਿਨ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਪੱਤਰੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि जिस तरह ये नानक नाम रलमा मिलमा हिंदू मुसलमान का सांझा है इस तरह इसनू दोवें ही अपना करके मनणगे। ये दोहां दा सांझा होवेगा, दोहां दा उधार करेगा। पंडित दियां ये गल्लां सुन के मेहता जी बड़े प्रसन्न होए अते पंडित नू मर्यादा अनुसार आटा गुड़ कपड़ा अते नगद भेटा दे के विदा कीता। जदों गुरु जी 5 वर्षां दे हो गए तो अपने हम उम्र बालकां नाल खेडन लगे। गुरु जी साथी बालकां नाल बहुत प्यार करदे अते उन्हां नूं खाण अते खेडन दीआं चीज़ां घर तों लिजा के वंड दिंदे। आप जी दे इस सुभाव नूं मेहता कालू जी चंगा नहीं समझदे सन, जिस करके कई बार आप जी नूं ताड़ना भी कर दिंदे सन। पर लोग आप जी दे इस उदार सुभा की बहुत शलाघा करते सन अते साथी बालक आप जी नाल प्रेम करते सन। बाबा कालू जी ने आपनू चुस्त ते उदार वेख के पांदे पासों चंगा दिन वार पुछ के नवे कपड़े पवा के पांदे वास्ते योग भेटा कुछ मिष्टान अते नगदी लै के ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਲੈ ਗਏ। ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਹਿਸਾਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਪਾਂਧਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਲੂ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪਾਂਧਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਣ ਹੋਣਹਾਰ ਬਾਲਕ ਸਮਝ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪਾਸ ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਾਲਕ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ।
एक दिन गुरु जी ने पांधे नूं कहा, पांधा जी ये बंधन रूप लेखा हुण मैं नहीं पढ़ना, मैनू तुसी ओ लेखा पढ़ाओ जिहड़ा अंत नूं जमां दे बंधना तो छुड़ावे। पांधे ने कहा, भला वो लेखा किहड़ा है? गुरु जी दे ये विचार सुन समझ के पांधे ने कहा, जो कुछ तुहाडे विचार हन ये ठीक हन, पर जेड़े नाम जपन वाले हन उन्हां नूं भी गरीबी दशा विच वेख्या जांदा है, फिर मरना भी सब दा एक सार ही हुंदा है। इन्हां गल्लां नूं वेख के मेरे मन विच नाम सिमरन दी विशेष महत्ता नहीं। पांधे दे इन्हां विचारां दा उत्तर गुरु जी द्वारा दिता गया, पांधा जी ज्ञानी अते अज्ञानी दे मरन विच भेद है। जैसा कि अज्ञानी पुरश अंत नूं शोक अते चिंता नाल कई प्रकार दीआं वासनावां लै के मरदे हन, पर नाम जपन वाले ज्ञानी लोग परमात्मा नूं सदा अपने अंग संग वेखदे हन ते जमा तो निरभय हो के शरीर त्यागदे हन। फिर पांधे ने हैरान हो के पुछया, महाराज जिहड़े पुरश सारी उम्र रंग तमाशियां विच ही बतीत कर दिंदे हन, कदी नाम सिमरन नहीं करते, उन्हां दा अंत नूं बुरा हाल हुंदा है। तद पांधे आख्या, महाराज जिहड़े पुरश कदी भुल के भी नाम नहीं जपदे, उन्हां नूं मालक डर क्यों नहीं दिंदा कि वह नाम जपन? गुरु जी फिर बोले, गुरु जी ने यह बचन सुन के पांधे ने हाथ जोड़ के आप जी तो खिमा मंगी कि जेकर अनजाणपुने विच कोई अजोग गल उस पासों हो गई होवे तां उसनूं बख्श देना। पांधे गोपाल पासों लेखे पते की पढ़ाई बंद करके जब गुरु जी नूं कुछ महीने बीत गए तां मेहता कालू चंद जी आप नूं फारसी पढ़न वास्ते मुला कुतुबद्दीन पास लै गए। कुछ मिष्टान अते नगदी मुला दी भेटा रख के आख्या कि इसनूं प्यार नाल पढ़ाउणा, ये कुछ प्यार नाल ही पढ़ता है। जब इस तरह कुछ समा मुला पास पढ़दियां नूं बीत गया तो एक दिन गुरु जी पिंड तो बाहर एक ब्रश हेठां चादर तान के चुप चाप लम्मे पै गए। उपरंत जब रोज़ ही इस तरह गुरु जी करन लगे तो मेहता कालू चंद जी ने यह समझ के कि इन्हां नूं किसी भूत प्रेत का साया है, मुला नूं कहा कि नानक नूं चल के वेखो, उसनूं कोई साया पै गया जापदा है। तद मुला ने गुरु जी पास बैठ के दुआ की कि हे नेक बालके, तेरे उत्ते परवरदिगार दी मेहर होवे, तू मैनू दस कि तेरे इस तरह चुप रहन दा अते लम्मे पए रहन दा की कारण है, खुदा दे वास्ते अपनी अंदरली गल दसो। तद गुरु जी उठ के बैठ गए अते कहन लगे, हे मुला जी, मैनू ये दुनिया नाशवंत जान के सदा मौत दा डर लगा रहिंदा है, इस करके मेरी ये दशा है। मुला ने कहा, अजे तां आप बच्चे हो, तुहानू ये गल्लां नहीं सोचनियां चाहीदियां, जवान हो के इस्त्री पुत्रां दे सुख भोगो अते दुनिया दे रंग माणो। गुरु जी ने कहा, मुला जी मौत दा कुछ पता नहीं किस समय आ जावे, इस वास्ते मन नूं विकारां वल्लों मोड़ के परमेश्वर अगे सदा ही बेनती करदे रहना चाहीदा है। मुला ने कहा, तुहाडी इह गल सच्ची है कि मन नूं सदा प्रभु सिवन विच लाई रखना चाहीदा है, पर फिर भी क्योंकि तुहाडे माता पिता अते संबंधी तुहाडी इस दशा ते दिलगीर हन, तुसी उठ के इन्हां नाल घर जाओ अते हस खेड के बाहर घर दा कार विहार करके सब नूं प्रसन्न रखो। मुला जी, किसी भी इस्त्री पुत्र संबंधी ने अंत नूं बाँह नहीं फड़नी, इस करके इन्हां वास्ते परमात्मा नूं नहीं विसारना चाहीदा। ये गल सुन के मुला ने गुरु जी की बहुत शलाघा की कि आप इस छोटी अवस्था विच ही परमेश्वर दे रंग विच रंगे गए हो। तद गुरु जी ने कहा, अर्थात
ਪੁਰਸ਼ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਬੁਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੌਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ ਮੰਦਭਾਗੀ, ਈਰਖਾਵਾਦੀ, ਭੁੱਲੜ ਜਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ।